Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 4. And today on 31st of August, we are going to start reading this poem. Before starting reading, let me make you understand this chapter shortly. Dear students, इस chapter में होता क्या है कि जो हमारे poet हैं, George Bernard Shaw, वो अपने चाइल्डहुड डेज को मिस करते हैं ओके वो जो बुक्स रीड किया करते थे उन बुक्स की इमेजिनेशंस से वो कहाँ कहाँ तक पहुँच जाया करते थे उस चीज़ को वो याद करते हैं। साथ ही में उनके चाइल्डहुड में उनको कितनी ज़्यादा फैंटेसी मीन्स की डिज़ायर होती थी, कितनी इच्छाएँ होती थी और कौन कौन सी इमेजिनेशंस होती थी कहीं घूमने की या फिर कुछ प्ले करने की, वो सब इन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। और साथ ही में एक मैसेज दिया है दैट वन शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। ये पोएम है आपके पेज नंबर 27 पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू टर्न टू पेज नंबर 27 पे टर्न करना है आपको आपकी बुक में। लेट्स रीड दिस। आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स। जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैं पायरेट्स प्ले किया करता था। पायरेट्स क्या होते हैं? पायरेट्स एक तरह से हम समुद्री डाकू जो होते हैं उन्हें हम पायरेट्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक शिप है। ओके इस शिप में ये बहुत सारे पायरेट्स हैं। ओके देख रहे हो आप यहाँ पे इनके हैंड में स्वॉर्ड है। ओके तो जो पॉइंट है वो बोलते हैं कि मैं जब छोटा था तब मैं पायरेट्स बना करता था, है ना, मैं समुद्री डाकू बना करता था एंड सेल द सेवन सीज, और जो सेवन सीज है उनकी यात्रा किया करता था। ओके देन आई वॉज अ काउबॉय, और फिर मैं क्या करता था, एक काउबॉय बन जाता था। काउबॉय मीन्स वन हु लुक्स आफ्टर काउज। ओके जिसे हम ग्वाला भी बोलते हैं हिंदी में। तो फिर जो पॉइंट है वो पायरेट्स बन के क्या करता था, पहले तो सेवन सीज की सेलिंग मीन्स की यात्राएं किया करता था, फिर जब वो ग्वाला बनता था तब वो क्या करता था, जो काउज है उनकी लुक आफ्टर मीन्स की उनकी देखभाल किया करता था। दिस सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज। ये सिंपल थिंग्स जो है वो पॉइंट को क्या करती थी, प्लीज करती थी। प्लीज मीन्स होता है टू मेक समवन हैप्पी। ओके जो पॉइंट है वो इन ही छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाया करता था। ओके आई हैड अ विविड इमेजिनेशन। जो पॉइंट है वो बोलता है कि मेरे मन में एक विविड इमेजिनेशन, क्लियर इमेजिनेशन बना करती थी किसी भी चीज़ की, है ना। एडवेंचर वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, और मेरे माइंड में हमेशा एडवेंचर होते थे। मीन्स एडवेंचर मीन्स होता है डेयरिंग वर्क। ओके कुछ डेयरिंग साहसिक कार्य करना। आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग। मुझे जो है रीडिंग करने में भी काफ़ी जॉय मिलता था। मीन्स कि रीडिंग करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एंड स्कैप द डेली ग्राइंड। और जो डेली ग्राइंड होते हैं मीन्स कि बोरिंगनेस एंड स्टेट ऑफ हैविंग नॉट मनी। ये जो डेली ग्राइंड है इससे मैं बस जाया करता था। कैसे बस जाया करता था, क्योंकि वो रीडिंग करता था। ये स्टेंजा जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पॉइंट बोलता है कि मेरी बहुत क्लियर इमेजिनेशन रहा करती थी, मैं एडवेंचर्स को काफ़ी पसंद करता था, एडवेंचर हमेशा मेरे माइंड में होते थे। और जो दिन भर के डेली ग्राइंड है, जो भी बोरिंगनेस है और जो तंग खाली है उसको मैं कैसे ख़त्म करता था, इवनिंग के टाइम पे रीडिंग करके, बुक्स रीड करके। जब मैं बुक्स रीड करता था ना तो मेरे डेली ग्राइंड है वो ख़त्म हो जाते थे, बोरिंगनेस ख़त्म हो जाती थी, है ना। मनी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सब, वो सब भी ख़त्म हो जाती थी, वो सब मेरे माइंड में नहीं आती थी, क्योंकि मेरे माइंड में क्या होता था, बुक्स होती थी, बुक्स की रीडिंग होती थी। अब थर्ड स्ट्रेंजा है वंस आई लिव्ड विद द एस्किमोज। जो पॉइंट है वो बताते हैं हमें कि एक बार मैं एस्किमोस के साथ रहा था। अब डियर स्टूडेंट्स, एस्किमोस क्या होते हैं, वो पर्सन जो आइस पे या फिर स्नो पे, आइसलैंड या फिर स्नोलैंड पे रहते हैं। ओके ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आइस है, स्नो है, उनको क्या बोलते हैं, एस्किमोस। ओके तो जो पॉइंट है वो बोलते हैं कि मैं
आइस एंड स्नो की लैंड पे एस्किमोस के साथ रहा था, ओके, वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, और वहाँ पे मैं हंट किया करता था, मीन्स के शिकार किया करता था और साथ ही मैं फिशिंग भी किया करता था। माई फैंटेसी वॉज ऑल एग्लो, मेरी जो फैंटेसी थी मीन्स की जो मेरी डिज़ायर्स थी वो, फैंटेसी मीन्स होता है डिज़ायर एंड एग्लो मीन्स होता है शाइनिंग विद हैप्पीनेस, ओके। तो जो पोइट है वो बोलते हैं कि इस टाइप से एस्किमोस के साथ आइस एंड स्नो में रहते हुए हंटिंग एंड फिशिंग करते हुए जो मेरी डिज़ायर थी वो हैप्पीनेस से साइन हो जाती थी, चमक जाती थी, मीन्स कि जो मेरी डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाती थी। इस स्ट्रेस यू कैन सी हियर, ये जो पीपल हैं यहाँ पे ये इग्लू में रहते हैं, ओके, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्किमोस, और जो हमारा पोइट है वो भी इन्हीं के साथ रहा है। अब आगे हमारा पॉइंट क्या बोलता है कि आई रेड अ बुक ऑफ जूल्स वर्न, कि जूल्स वर्न जो है उनकी मैंने एक बुक पढ़ी है एंड वेंट ऑफ टू द मून, और उस बुक को पढ़ते पढ़ते मैं कहाँ पे चला गया हूँ, मून पे, मीन्स कि जो बुक से उसमें डिस्क्रिप्शन इस टाइप से दिया हुआ है हेवनली बॉडीज का कि उनको रीड करते हुए वो इतना ज़्यादा इमेजिनेशन में खो जाता था कि वो खुद को मून पे इमेजिन करने लगता था, है ना, कि मैं मून पे पहुंच गया हूँ। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, और ये बस एक लुक लेने के लिए होता था, मीन्स कि मैं मून पे जाता तो था अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन वो बस एक लुक के लिए जाता था, मीन्स कि मैं वहाँ पे बस एक ही बार देख पाता था, मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाता था। देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और फिर वापस लौटने का टाइम हो जाता था। डियर स्ट्रेंड्स, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है कि वो मून पे गए हों, ओके, ये बस क्या हुआ, उन्होंने जूल्स वर्न जो है उनकी बुक पढ़ी और उसके उसमें जो है इस टाइप से डिस्क्राइब किया हुआ था सब कुछ, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन में दिया हुआ था कि ये खुद को उस बुक में इमेजिन कर लेते थे, ठीक है, और वो इमेजिनेशंस में ही मून पे पहुंच जाते थे। कौन पहुंच जाते थे, जो हमारे पॉइंट है चैप्टर के, जॉर्ज बर्नार्ड। डियर स्ट्रेंस, टुडे वी हैव कम्प्लीटेड रीडिंग ऑफ द फोर स्टेंजास ऑफ दिस बुक, ओके, सॉरी ऑफ दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर के फोर स्टेंजास की रीडिंग आज कर ली है। अब थ्री स्टेंजास इसके बचे हुए हैं, वी विल रीड ऑल दोज थ्री स्टेंजास टुमोरो। दैट्स इट फॉर टुडे, सेंड मैन एक्स लेक्चर, इन टूडेज होमवर्क यू ऑल्सो हैव टू रीड दिस फोर स्टेंजास, ओके, एंड अलोंग विद रीडिंग यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड the explanation of the four stanzas. That's it for today. See you in my next lecture.